दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सिविल बाजार में। और बहुत दिनों बाद आज मैं आपको व्हीकल ट्रेंड इसका वीडियो मैं मैंने बहुत पहले बनाया था और उसमें आपने अच्छा खासा प्रेम दिखाया था। और बहुत बार इसमें मुझे पूछा गया कि आप मेरे गाड़ी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगा दीजिए, इसका मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, और बहुत सारे कुछ ऐसा ऑफर आता था। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप कैसे अपने जो व्हीकल है उसको गवर्नमेंट सेक्टर में लगा सकते हैं और आप इसमें कितने लंबे समय के लिए लगा सकते हैं, कितने रुपया आपको इसमें मिलेगा आपके गाड़ी लगाने पर, कितना आप इसमें कमा सकते हैं, कब क्या क्या टाइमिंग रहेगा, क्या अगर आपसे कुछ गलती हुआ तो उसका पेनल्टी क्या रहेगा, ये सारे चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। साथ ही साथ में इसमें EMD कितना देना पड़ेगा, टेंडर फी क्या देना पड़ेगा, कौन कौन सा सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो कहाँ कहाँ से बनेंगे, ये सारे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आपका गाड़ी का पेपर क्या क्या होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, ये सारा चीज़ मैं आपके पार्ट बाई पार्ट आपको क्लियर करूँगा जिसे आप समझ सकें और आप खुद से आसानी से अपना अपने जो भी व्हीकल्स है उसको गवर्नमेंट सेक्टर में लगा सकते हैं। और बहुत इजी प्रोसेस है और बस आप इसे समझना होगा और इसे देखना पड़ेगा कैसे आप इसे लगा सकते हैं। देखिए, पहला इस्कॉन कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, जितना भी इस्कॉन कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन है ऑफ एनी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका कोई भी विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, MSME और RWD, PWD, PhD, कहीं भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर। फिर उसके बाद होता है कि स्कैन कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन वैलिड व्हीकल, व्हीकल का RTO होना चाहिए। दूसरा, स्कैन कॉपी आपको लगाना होगा GST का। GST आप जानते हैं 15 से 20 दिन या एक महीने में आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आपको आसानी से GST मिल जाएगा। GST के ऊपर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है, GST को आप कैसे फाइल कीजिएगा वो भी मैंने बताया है, और आप अगर फ्री में चाहे तो वो सीख सकते हैं, फ्री में अपना GST फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जो जैसे 100 रुपये प्रति महीना लेकर के अभी आपका फाइल कर सकते हैं, तो आप वहां से भी फाइल करवा सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए एक टेंडर उठा के दिखाता हूँ कि उस टेंडर में आप कितना क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा और क्या क्या आपको प्रोसेस उसमें पेपर लगेगा। देखिए, आपको उस डॉक्यूमेंट में जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो टेंडर का वैल्यू है 4,43,300 रुपया। ये टेंडर का वैल्यू एक साल के लिए 4,43,000 रुपया आप टेंडर का वैल्यू है, और इसमें आपको टेंडर फी बिल्कुल नहीं देना होगा, टेंडर फी इसमें नहीं मांगा गया है। देखिए, टेंडर फी के अलावा इसमें आपको 8,860 रुपया मांगा गया है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, 8,800 रुपया मांगा गया है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में मांगा गया है। और 8,800 जो मांगा गया आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट में, आप इसे वापस बाद में प्राप्त कर सकते हैं एक साल के बाद। लेकिन इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है कि आपको क्या क्या नहीं करना होगा जिससे आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला तो ये है कि आप अगर व्हीकल को अपना लगा रहे हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए इसको आपको जितने भी पेपर मैंने अभी बताया, जैसे मैं आपको सीरियल वाइज बताता हूँ, जो भी है स्कैन RTO का पेपर होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका GST होना चाहिए, GST के अलावा कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए कॉन्ट्रैक्टर। और ये बहुत ही आसान है, बहुत कम खर्चे में आप अगर 4th क्लास का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 10,000 के अंदर के खर्चे में आप एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, और इसके बाद आप आसानी से अपने व्हीकल को लगा सकते हैं। साथ साथ ही अगर कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन हो गया तो बाकी काम के भी टेंडर ले सकते हैं, क्योंकि एक बार टेंडर ले लीजिएगा और इसका काम सीख जाइएगा तो आप आसानी से सब टेंडर में भी काम कर पाइएगा।
अब बाकी क्या क्या पेपर लगे, ईएमडी लगेगा जो सिक्योरिटी में नहीं होगा, 8,860 रुपया लगेगा, और पैन लगेगा आपका, अंडरटेकिंग लगेगा। अंडरटेकिंग मतलब आपको एक अपने स्टाम्प पेपर पे, जैसे मान के चलिए आपने, जैसे मेरा नाम है विवेक कुमार सिंह, तो मैंने एक विवेक इंटरप्राइजेस करके कंपनी बनाया, तो उसके ऊपर स्टाम्प के ऊपर मैंने लिखूंगा कि ये विवेक इंटरप्राइजेस मेरे नाम से रजिस्टर्ड है और मैं इसका प्रोप्राइटर हूँ, और जितना भी सारा चीज़ मैं लिख दूंगा, और उसे वो पेपर को मैं उसमें अपलोड कर दीजिएगा, वो हो गया अंडरटेकिंग। और इसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट जो भी आप उसमें हो जाएगा, ये सारे टेंडर डॉक्यूमेंट होगा, पीओक्यू होगा, पीओक्यू पर आपको रेट भरना होगा कि क्या रेट में आप इस 4,43,000 रुपये को आप पे कीजिएगा। आप अब भी जा सकते हैं, बिल्लू भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें आपको करना क्या है, क्या अब में जाना है और क्या बिल्लू में जाना है, ये आप डिसाइड कीजिएगा। देखिए अब इसमें लिखा क्या है, जिसे मैं मार्कर से मार्क कर दे रहा हूँ, नॉट ओल्डर देन 2 ईयर्स, जो आपका गाड़ी है 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये टेंडर जो है स्कूटी इंजीनियर के लिए है, तो बड़े अधिकारी ये खुद डिपार्टमेंट के रहते हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि कोई पुरानी गाड़ी में चले, क्योंकि इन्हें मैक्सिमम ज्यादा दौड़ना रहता है, तो ये अपने लिए कुछ नया ही गाड़ी चाहते हैं। तो 2 साल का ये गाड़ी अगर आप इसे लगाइए कीजिएगा, तो ये 2 साल पुराना नहीं होना चाहिए आपका गाड़ी, और अगर 2 साल पुराना आपका गाड़ी है, तो इसके लिए दूसरे टेंडर होते हैं, जो बाकी जेई एच डी ओ जो सबको मिलता है उन सबको आप दे सकते हैं, या किसी और डिपार्टमेंट में बहुत सारे पुराने गाड़ी का भी रिक्वायरमेंट्स होता है, कुछ का स्टाफ ये सब को ले जाने लाने के लिए। तो दोस्तों इसके अलावा आप अगर गाड़ी लगाना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो दूसरा आपको है, देखिएगा आप पेज 9 के अंदर आपको दिखाते हैं कि सप्लायर 1 ईयर का एक्सपीरियंस जिसके पास होगा उसे टेंडर मिलने में आसानी होगा। अगर आपके पास देखिए एक्सपीरियंस है, आप अच्छा खासा आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रेफर्ड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको टेंडर नहीं दिया जाएगा, टेंडर में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, आपको टेंडर में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसे प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने विश्वास कहीं पे बनाया हुआ है और वो व्हीकल सप्लायर के तौर पर प्रस्तुत करेंगे अपने आप को। दूसरा देखिए कॉन्ट्रैक्टर को अपना, जब आप टेंडर भरने जाएंगे तो अपना नाम लिखना होगा पेज नंबर 5 में। अब आते हैं पेज नंबर 6 में, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे इसे लगाया हुआ हूँ। वेबसाइट पर जा करके सारे टेंडर जो अभी आपने मैंने पेपर्स बताया आपको बना करके बीओक्यू भरना होगा, साथ साथ में आपको डिजिटल सिग्नेचर भी रखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट टेंडर में आप पार्टिसिपेट करने जाए तो जरूरी है कि आपके पास एक डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, इसके बिना तो आप काम ही नहीं कर सकते हैं। देखिए ये पेज 6 में है कि वेबसाइट पर जाकर के आपके टेंडर भरने होंगे। पेज 8 में आते हैं दोस्तों। अब देखिए पेज 8 में है कि अगर आपका और परफॉर्मेंस अच्छा रहा, मतलब अगर आप अच्छा काम करने गए, अच्छा काम किए और आपने अच्छे से ड्राइव किया, आपने ड्राइवर को अच्छा से इसके लिए दे के रखा उन्होंने अच्छा, तो आपका 2 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, या तो फिर आपका अगर डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट वो टेंडर फिर से नहीं निकालना चाहें तो वो आपको 2 साल के लिए बढ़ा देंगे। तो 2 साल को बढ़ाने के बाद आपको 4,43,000 में भी बढ़ा करके टेंडर का वैल्यू दिया जाएगा, तो ये आपको प्रॉप बेनिफिट रहेगा। पेज 8 में इसको आप देख सकते हैं, जिसे मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया है। अब आते हैं देखिए दोस्तों पेज 9 पर, वैलिड परमिट इशू कंसर्न, मतलब आरटीओ से वैलिड होना चाहिए आपका। फिर देखिए टेंडर अगर आपको मिल गया तो 15 दिन के अंदर आपको सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेना है, जितना पेपर के रिक्वायरमेंट है, अगर जितने आपने अगर मान के चलते हैं, बहुत सारे लोग इसमें देखिए इसमें दिया गया है कि अगर आपने गाड़ी नहीं लिया हुआ, आपके पास कोई गाड़ी है ही नहीं और इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इसका भी उपाय है, आप डायरेक्ट भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जबकि आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन आप जहाँ से लेंगे शोरूम से वहाँ पे फाइन पेपर लेकर के आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ से फाइनेंस करा के आपको गाड़ी मुहैया कराऊंगा, तो ऐसे एवज में भी आप किसी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास देखिए आपने आपके पास गाड़ी नहीं है और आप मुहैया कराना चाहते हैं, तो आपको 15 दिन के अंदर सारा पेपर कंप्लीट कर लेना है, और आपको 15 दिन के बाद गाड़ी लगा देना है, वहां से गाड़ी चलाने लगना है,
ये 15 दिन के आपको अंदर कंप्लीट कर लेना होगा। अगर मान के चलिए आपको कुछ लेट होता है तो इसके ऊपर पेनल्टी लग सकता है, या तो फिर आपको डिपार्टमेंट के लोगों से बात करना होगा और आपको एक लेटर लिख के देना होगा। लेटर लिख के जब आप दीजिएगा तब जा करके आपको कुछ दिनों का छूट दिया जाएगा, नहीं तो उसके आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है टाइम एक्सटेंशन का। और बहुत बार बहुत सारे डिपार्टमेंट में टाइम एक्सटेंशन लग जाने के बाद वो पैसा वापस नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जैसे ही आपको टेंडर मिले 15 दिनों के अंदर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों फेज 9 पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मेलिटी पूरा कर 5% आपको परफॉर्मेंस गारंटी देना होगा। अब मान के चलिए आपका टेंडर का वैल्यू जितना है, उसका टेंडर का वैल्यू मान के चलिए 4,43,000 रुपया है, तो उसका 5% आपको देना पड़ेगा। इसके बाद पेज 10 में आप देख सकते हैं, अगर आपके पास डिपार्टमेंट के नाम से गाड़ी, मतलब जैसे आपको देखिए जो मैंने आपको बताया था कि आपका अगर आपके पास डिपार्टमेंट के नाम से गाड़ी नहीं है, मतलब आप गाड़ी आपके पास कोई नहीं है, जिस पेज 10 में देख सकते हैं आप, अगर आपके द्वारा डिपार्टमेंट के समय आपसे गाड़ी नहीं, कोई गलती हुआ तो EMD नहीं दिया जाएगा। जो आप 5% जमा किए हैं और 8,000 रुपया अलग से जमा किए हैं वो आपको नहीं दिया जाएगा। बीच में भी अगर आपके पास साथ कोई गलती होता है तो पेनल्टी लग सकता है, और गाड़ी चलाते टाइम अगर ड्राइवर या कुछ एक्सीडेंट होता है तो ये भी सारा जिम्मेदारी आपका होगा। आपको अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करा के इसके लिए पहले से रखना पड़ेगा। तो और देखिए पेज 10 में ही लिखा हुआ है कि वाहन का उपयोग सामान्यतः सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच ड्यूटी के लिए किया जाएगा। यहाँ लिखा गया है कि देखिए 8 से 8 बजे तक आपको ड्यूटी के लिए किया जाएगा, तो मतलब आपके ड्राइवर को वहाँ 7:30 बजे पहले पहुंच जाना होगा टाइम टू टाइम। अगर ड्राइवर आपका लेट करेगा तो फिर उसमें भी पेनल्टी बनेगा। इसके बाद है देखिए दोस्तों, ड्यूटी के लिए यदि आवश्यकता हो तो 8 से 8 के अलावा भी आपके कुछ टाइम एक्स्ट्रा लिया जा सकता है। तो ये सब सारा चीजें आपको देख लेने के बाद आपको टेंडर इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। अब बहुत सारा इसमें आपको खराबी है दोस्तों, पहले इसमें बहुत अच्छा सारा बहुत सारा इनकम होता था, अब इसका इनकम बहुत सारा लो होने लगा है। क्योंकि आजकल क्या किया है कि बहुत सारे जिनके पास गाड़ी नहीं है वो भी इसमें कंपटीशन में भाग ले लेते हैं। अब कंपटीशन में भाग ले लेते हैं तो वो गाड़ी फाइनेंस करा के दे देते हैं। अब गाड़ी फाइनेंस करा के दे देते हैं तो कंपटीशन के बहुत सारे हो जाते हैं, और मान के चलिए साल भर में आपको 4,43,000 रुपया इसमें मिल रहा है। 4,43,000 रुपये मान के चलिए आपने बिल लो गए तब तो आपका कोई फायर बेनिफिट ही नहीं। मान के चलिए आपको अगर 4 लाख, मान के चलते आप 4,43,000 हटा दीजिए, आप बिलो चले गए 4 लाख में आपको काम मिल गया, तो हर महीने 30,000 के हिसाब से 10 महीने का आपका 3,60,000 रुपया हुआ। हर महीने आपको 30,000 रुपया मिलेगा, मतलब हर दिन का 1,000 रुपया, और एक्स्ट्रा कुछ खर्चा तो होता ही है, उसको खर्चा काट लेते हैं। इस हिसाब से आपको चलना होगा। अब उसमें से भी आपको ड्राइवर रुपया का खर्चा जो भी होगा आपको मेंटेन करना होगा, ये सब आपको देखना होगा। तो मान के चलते हैं 30,000 रुपये में आपको ड्राइवर को दे दिया आपने 8 या 10 हज़ार रुपया, तो टोटल आपको बोल सकते हैं कि 20,000 रुपये मिलेगा, जिसमें से आपको ये कर सकते हैं। अब अगर इससे भी ज़्यादा बिल लोग चला गया तब आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और ये सब आपको चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि कैसे अब आप अपने व्हीकल को लगाते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जहाँ तक हो डिपार्टमेंट से बात करें, और आपको कोस्ट टू कोस्ट जो भी टेंडर है उसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अगर वहीं मान के चलते हैं कि आप 4.5 लाख के टेंडर में अब चले गए और इसे 5 या 6 लाख का कर दिए, तब ये 60,000 महीने के हिसाब से आपको देगा। तो आप 10,000 या 12-15 हज़ार रुपये में एक ड्राइवर रख लीजिएगा, 45,000 रुपया इस गाड़ी से आपको महीने महीने आएगा। इस तरह का ये है। अब मैं दोस्तों इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से गाड़ी में आप कितना कितना कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको कौन कौन सा इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है गाड़ी को डिपार्टमेंट में देने से, ये सारे चीजें बता सकता हूँ। कितना पुराना गाड़ी के लिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट सबसे बढ़िया है, अगर आपके पास पुराना गाड़ी है तो भी आप उसको कैसे लगा सकते हैं, ये सारा चीजें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।